बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आपका खैर वाफिया से होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। सिक्स क्लास, आज मैं आपको डे 15 के हवाले से उर्दू का लेक्चर जो है वो डिलीवर करने जा रही हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था राशिद में नास शहीद, और उसके हवाले से आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी भी शहीद या गाजी की बहादुरी, गाजी का मतलब भी बहादुरी बहादुर होता है, कि बहादुरी का किस्सा मुख्तसर अल्फाज में बयान करें। तो आप राशिद महनास के बारे में भी लिख सकते हैं, किसी और के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं आपको राशिद महनास के बारे में थोड़ा सा बता दूंगी, थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा, तो आप इस तरह इसको राइट कर सकते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि राशिद महनास का नाम आज 18 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए कौमी इज्जत और हुरमत का एक मिसाली नमूना है, ठीक है। राशिद महनास शहीद जो थे वो शहीद होकर नज़रों से ओझल तो ज़रूर हो गए थे, लेकिन उन्हें नमूसे इस्लाम और वतन की खातिर जान देकर अमर होना पड़ा, ठीक है। उनकी जानबाजी यानी कि दलेरी और सरफरोशी की दास्तां कौम के दिलों पर हमेशा नक्श रहेगी, ठीक है। तो राशिद महनास जो थे वो एक पायलट थे जो 1969 में कैडेट पायलट बने थे। तरबियत पाने के बाद क्या हुआ था, वो कराची चले गए जहां उन्हें 1970 में पायलट ऑफिसर का ओहदा मिल गया, ठीक है। लेकिन वहां पे इंस्ट्रक्टर मतीयुर रहमान था जिसके गलत इरादों की वजह से क्या हुआ था कि उनका त्यारा ज़मीन से टकरा कर पाश पाश हो गया था। तो क्या हुआ था, राशिद महनास ने जान की बाजी लगा दी लेकिन वतन पर आँच ना आने दी। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी तमगा जो था निशान हैदर उनको मिला था, उन्हें पूरे फौजी अज़ाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया था, ठीक है। ये मैंने आपको मुख्तसर अल्फाज में बताया है, आप ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा मेजर अजीज़ भट्टी शहीद मुख्तलिफ जो हैं हमारे शहदा वो हैं, उनके बारे में आप मुख्तसर अल्फाज में यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। सिक्स क्लास, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।